दोस्तों अगर आप भी अच्छी मसल्स बनाना चाहते हैं तो आपको पता है वर्कआउट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आपको वेरिएशन लाना पड़ेगा वर्कआउट में। एक ही मसल्स को बार बार ट्रेन करते हो, एक ही वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनने वाली। आज जो मैं वर्कआउट बताने वाला हूँ वो चेस्ट के लिए है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट तरह से आपको करना है तभी आपकी मसल्स बन पाएगी। हम यहाँ पर प्लेट का यूज करेंगे। पहली जो एक्सरसाइज है प्लेट पुल ओवर है। यहाँ पर देखिए प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर डंबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स एक ही एक्सरसाइज को आप बार बार करते हो, सपोज डंबल का एक्सरसाइज से आप बार बार करते हो तो आप में कोई भी वेरिएशन नहीं ला रहे हो आप अपनी बॉडी के लिए। हमेशा डिफरेंट तरह से करते रहिए तभी तो इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी में। हो सकता है कि आप एक ही एक्सरसाइज बार बार करते हो, एक ही इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो तो हो सकता है आपका मसल्स उससे गेन ना हो, डेवलप ना हो, इसी वजह से नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन आप अगर डिफरेंट तरह के वेरिएशन करते हैं और डिफरेंट तरह के सेटअप मारते हैं और डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का ग्रोथ होगा। अब बात करते हैं दूसरा वर्कआउट के लिए चेस्ट के लिए, वो इंक्लाइन क्लोज ग्रिप प्रेस। ये भी आपको प्लेट की सहायता से ही करना है। फ्रेंड्स ये वर्कआउट से आपकी जो इनर चेस्ट होती है उसका डेवलपमेंट होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। फ्रेंड्स हमेशा वेरिएशन लाइए और हमेशा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करिए। एक ही इंस्ट्रूमेंट आप बार बार यूज़ करोगे तो आपकी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जिस तरह से एक ही खाना बार बार खाओगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और बॉडी को का ग्रोथ नहीं होगा। उसी तरह वर्कआउट में भी वेरिएशन लाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा वर्कआउट जो है प्लेट प्रेस। आपने रॉड की सहायता से आपने प्लेट प्रेस किया होगा, आप जब भी हो प्लेट प्रेस करते होंगे रॉड की सहायता से। लेकिन आज जो यहाँ पे है, यहाँ पे प्लेट प्रेस है, आपको प्लेट की सहायता से करनी है या आप पहले डंबल की सहायता से करते होंगे, लेकिन यहाँ पे आज देखिए आप प्लेट की सहायता से करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे वेरिएशन लाना ज़रूरी है तभी आपकी बॉडी बन पाएगी और डिफरेंट वेरिएशन करेगा तभी आपका बॉडी का ग्रोथ हो पाएगा। हमेशा अलग करते रहिए फ्रेंड्स, तभी बॉडी में वेरिएशन आएगा और ग्रोथ हो पाएगा। अब बात करते हैं चेस्ट के लिए दूसरा जो वर्कआउट है फ्रेंड्स, वो है आर्चर पुशअप। ये पुशअप बहुत ही अच्छी है जिससे आपका इनर चेस्ट और वाइड चेस्ट और अपर चेस्ट तीनों मसल्स डेवलप होती। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।